हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं कॉलमेट के इस 10,000 mAh कैपेसिटी वाले पावर बैंक का टेस्ट रिव्यू देने वाला हूं। इसको अगर हमें चार्ज करना हो तो माइक्रो यूएसबी के अलावा टाइप सी पोर्ट से भी इससे चार्जिंग दी जा सकती है। अगर बात करें आउटपुट की तो इससे यूएसबी टाइप ए पोर्ट के अलावा टाइप सी पोर्ट से भी आउटपुट मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 वोल्ट के अलावा ये 9 वोल्ट और 12 वोल्ट चार्जिंग और आउटपुट दोनों में सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें डिजिटल डिस्प्ले दी गई है जहाँ पे बैटरी के परसेंटेज के अलावा फास्ट चार्जिंग भी शो होती है। इस पावर बैंक के साथ में एक चार्जिंग केबल भी आती है जो कि टाइप सी केबल है। इस पावर बैंक की हाउसिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट है जिसके कारण इसका लुक जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। सर्किट और कंपोनेंट ऊपर से ही दिखते हैं। तो इस पावर बैंक को हम सबसे पहले चार्जिंग में टेस्ट करेंगे। तो इसकी चार्जिंग के लिए मैंने MI का 27 वॉट का ये फास्ट चार्जर जो है लिया है। ये आउटपुट में 9 वोल्ट और 12 वोल्ट के प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर चार्जिंग में जो भी डाटा हमें सेव करना है वो हम अपने USB टेस्टर में सेव करेंगे, जिससे कि मैं आपको ये बता सकूँ कि कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम की चार्जिंग के दौरान, कितने मिली एम्पियर करेंट जो है ये कंज्यूम करता है, ये सारी डिटेल आप देखेंगे। तो मैं इसे चार्जर में कनेक्ट करता हूँ। USB टेस्टर में सारी रीडिंग जो है वो आपको दिखाई देगी। अब हम पावर बैंक के साथ आई टाइप सी केबल से ही इस पावर बैंक को चार्ज करेंगे। तो पावर बैंक के टाइप सी पोर्ट में मैं इस केबल को कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर टाइप सी पोर्ट में हमने केबल जो है उसे कनेक्ट कर दिया है। केबल का दूसरा सिरा जो है उसे हम अपने USB टेस्टर में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पावर बैंक जो है उसे हमने फुल डिस्चार्ज कर दिया था, इसलिए इसकी बैटरी 0% शो कर रही है। चलिए हम चार्जर को ऑन करते हैं और ये कितने वोल्ट से चार्ज होगा आप यहाँ पर USB टेस्टर में देख पाएंगे। यहाँ पर USB टेस्टर में 5 वोल्ट द्वारा ये पावर बैंक इस समय चार्ज हो रहा है ऐसा दिख रहा है। करंट की बात करें तो 2.1 एम्पियर है। चलिए इस पावर बैंक को हम कुछ देर चार्ज होने देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये वोल्टेज परिवर्तित होता है। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट अगर करता होगा तो बैटरी के परसेंटेज कुछ बढ़ने के बाद ये वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने जो वीडियो की स्पीड है उसे 10x कर दिया था, तो जल्द ही ऐसा हमें दिख रहा है कि पावर बैंक हमारे 10% तक चार्ज हो चुका है। और यहाँ पर वोल्टेज अब भी 5 वोल्ट ही ये इनपुट में ले रहा है, 2 एम्पियर करंट है। चलिए हम एक बार क्या करते हैं कि इसकी टाइप सी केबल जो चार्जिंग में हमने लगाई है इस पावर बैंक के टाइप सी पोर्ट पे, उसे निकालते हैं और दोबारा से लगाते हैं। दोबारा से लगाने पर ऐसा हो सकता है कि शायद ये वोल्टेज जो चार्जिंग में ले रहा है उसे बढ़ा दे। तो यहाँ पर अब ये 12 वोल्ट पे 1.5 एम्पियर पे चार्ज हो रहा है। यहाँ पर पावर बैंक में भी इंडिकेशन दिख रहा है फास्ट चार्जिंग का। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका वोल्टेज दिखाई दे रहा है जो कि 18 वॉट के करीब है। तो ये फास्ट चार्ज तो होता है ऐसा हमें पता चला। अब हम इस पावर बैंक को फुल चार्ज होने देते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। मैंने अभी हाल ही में 20,000 mAh वाले कॉलमेट के पावर बैंक का टेयर डाउन और टेस्ट रिव्यू का वीडियो पब्लिश किया था। उन वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पावर बैंक हमारा 100% चार्ज हो चुका है। पावर बैंक ने 39,374 वॉट एनर्जी कंज्यूम की है जो कि हमें इस USB टेस्टर में शो हो रहा है। तो यहाँ पर लगभग 40 वॉट एनर्जी जो है पावर बैंक ने चार्जिंग में कंज्यूम की है। चलिए अब हम आगे इस पावर बैंक को डिस्चार्ज करके देखते हैं डिस्चार्जिंग के दौरान कितनी एनर्जी हमें आउटपुट में मिलती है, उससे हम इसकी इफिशेंसी जो है उसे जान पाएंगे। चूंकि हमने पावर बैंक को 100% चार्ज किया है तो यहाँ पर डिस्प्ले में 100% शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि USB टेस्टर द्वारा रीडिंग लेंगे और यहाँ पर USB टेस्टर में मैंने PD ट्रिगर मॉड्यूल लगा दिया है जिसको मैंने 9 वोल्ट पे सेट किया है। तो इस समय USB टेस्टर द्वारा 9 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे डाटा मैंने इरेज कर दिया है, नया डाटा हमें USB टेस्टर में स्टोर करना है। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को 1.5 एम्पियर पे सेट कर दिया, तो कांस्टेंट करंट वाला ये लोड टेस्टर है। और यहाँ पर आप देखेंगे 9 वोल्ट पे 1.5 एम्पियर के डिस्चार्ज रेट से पावर बैंक हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। इस समय 14 वॉट के करीब ये पावर बैंक आउटपुट कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छा पावर बैंक परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने
5 बेस्ट पावर बैंक के लिंक जो है वो दिए हैं। आप अपनी नीड के अनुसार उनमें से पावर बैंक सिलेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे हमारा पावर बैंक जो है वो 6% बैटरी अप शो कर रहा है और यहाँ पर 25,000 मिली वॉट एनर्जी जो है इस पावर बैंक के द्वारा आउटपुट की गई है। वोल्टेज अब भी 9 वोल्ट और करंट 1.5 एम्पियर से ये पावर बैंक लगभग 14 वॉट पे डिस्चार्ज हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अब इसकी बैटरी जो है बहुत धीमे धीमे डिस्चार्ज हो रही है। इस पावर बैंक का पहले की तुलना में जब बैटरी 10% बची तब से धीमे धीमे डिस्चार्ज होना, ऐसा लगता है कि पावर बैंक की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि इस पावर बैंक का टियर डाउन का वीडियो जरूर से देखें, तभी आप इस पावर बैंक को परचेस करें। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 14 वॉट पे ही अब भी डिस्चार्ज हो रहा है और 9 वोल्ट और 1.5 एम्पीयर करंट इसके द्वारा आउटपुट हो रहा है। यहाँ पर 26,225 मिली वॉट एनर्जी अब तक ये आउटपुट कर चुका है। चलिए अब हम इस पावर बैंक को और डिस्चार्ज होने देते हैं और फुल डिस्चार्ज होने की स्थिति में क्या रीडिंग हमको मिलती है वो जान पाएंगे। इस पावर बैंक का डिस्चार्ज टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है जब से इसकी बैटरी के परसेंटेज 10% से नीचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे अब इसकी बैटरी 2% और अब 1% रह गई है। यहाँ पर अब भी आप देखेंगे 9 वोल्ट पे 1.5 एम्पीयर के डिस्चार्ज रेट से ये डिस्चार्ज हो रहा है। अब आप देखेंगे इसकी बैटरी 0% शो कर रही है और जल्द ही ये पावर बैंक फुल डिस्चार्ज होने वाला है। 9 वोल्ट पे 1.5 एम्पीयर आउटपुट ये अब भी कर रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा जो पावर बैंक है वो अब फुल डिस्चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूएसबी लोड टेस्टर को निकाल देंगे, इसके बाद हम यूएसबी टेस्टर को निकाल पाएंगे। अब यूएसबी टेस्टर में जो भी रीडिंग हमारी स्टोर हुई है उसे देखने के लिए हम दूसरा पावर बैंक जो है इसके यूएसबी पोर्ट में यूएसबी टेस्टर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस पावर बैंक द्वारा 29,674 मिलीवाट एनर्जी जो है वो आउटपुट की गई है। तो इस हिसाब से इस पावर बैंक की एफिशिएंसी 75% आती है। इसका मैं डिटेल में कैलकुलेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर कालमेट का ये 10,000 mAh का जो पावर बैंक है इसमें भी लिथियम आयन सेलों का इस्तेमाल किया गया है। ट्रांसपेरेंट हाउसिंग होने के कारण ये पावर बैंक काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। यहाँ पर पावर बैंक में जो भी डिटेल मेंशन है उसको ये पूरा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक ड्रॉबैक बताना चाहूँगा कि कॉलमेट के जो पावर बैंक हैं इनको अगर नॉर्मल चार्जर से आप चार्ज करते हैं तो हो सकता है कि चार्जिंग 100% दिखाएं और उसके बाद जब आप चार्जर हटाएंगे तो बड़ी तेज़ी से इनका परसेंटेज गिरता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये नॉर्मल चार्जर से अच्छी तरह से चार्ज नहीं हो पाते, कोई टेक्निकल इशू है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।